नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गढ़वाल के श्रीनगर में 44 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एसएसपी को 278 जवान मिल गए हैं। श्रीनगर में जवानों के दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जहां प्रशिक्षण के बाद देश के विभिन्न हिस्सों के 278 जवान आज एसएसबी का हिस्सा बन गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को सीएम ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसकी हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करूँगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर हम सभी का काम आगे चलेगा। हम सभी के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई के हैं। पूरे देश भर के और उत्तराखंड के भी हैं। जैसे कि लोग सुनते आ रहे हैं देश के लिए लोग सेवा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में एक अनुभूति सी आने लगी कि हम भी लोग थोड़ा सा मतलब करें सेवा देश के लिए। तो फिर जब पता चला ऐसा, तो फिर हम लोग भी इसके लाइन में मतलब तैयारी के लिए चल दिए इसकी देश की सेवा के लिए। मैं बहुत खुशी हुआ, लगा हमको कि मैं सब मेरा ही लड़का है। बहुत हमको हम धरती माता है, हम नहीं जानते कि धरती माता जन्म दी है, रक्षा करना माता। गढ़वाल में 22 अप्रैल को शुरू हुए बद्रीनाथ धाम की गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा श्रीनगर पहुंच गई, जहां यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्रीनगर में रात्रि विश्राम के बाद गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा ने अपने अलग पड़ाव डीमर के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान श्रीनगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ की गाड़ूघड़ा तेल कलश यात्रा के दर्शन किए। बता दें कि कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने तक प्रतिदिन इस तेल से बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाएगा। तो यहाँ पे डिमरी धार्मिक केंद्र है, पंचायत डिमरी पुजारियों के द्वारा इसको नरेंद्र नगर से प्रथम चरण में हम जैसे हमने कल आप वहाँ पे चेला चेत्राम ऋषिकेश में रात्रि विश्राम किया था, और दूसरे दिन हम यहाँ पे श्रीनगर में हैं। और अब इसके बाद हम आज अपने डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिमर, वहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और खांडू देवता मंदिर में हमारा 4 तारीख तक वहाँ पे गर्भगृह में इसको स्थापित किया जाएगा, और 5 तारीख को हम नरसिंह मंदिर जोशीमठ में हमारा रात्रि विश्राम होगा, 6 को हम पांडू के सर जाएंगे, और 7 को भगवान वहाँ पे कुबेर जी, रावल जी की गद्दी और सभी देवी देवताओं के साथ हम वहाँ पे बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। 7 तारीख को हमारा वहाँ पे, और 8 तारीख को जब भगवान के कपाट खुलेंगे तो गर्भगृह में ये गाड़ूघड़ा वहाँ पे स्थापित होगा। पीलीभीत में गन्ना विभाग और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें जिलाधिकारी पुलकित खरे, एसपी दिनेश कुमार प्रभु समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों से जिले का फीडबैक लिया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हम सबको मिलकर काम करना है। हमारे ज़िले के सारे अधिकारी मिल करके जो हमने 100 दिन की कार्य योजना जिले स्तर पर बनाई है, और जो पिछले विकास कार्य चल रहे हैं उनको और उनमें गति दे करके उनको और स्पीड से करना है, और जो 100 दिन की कार्य योजना हर विभाग की बनी है उस 100 दिन की कार्य योजना को हमको धरातल पर ला करके 100 दिन में उन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम सारे लोगों ने मिलकर के। पीलीभीत में आगामी त्योहारों को लेकर डीएम ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। वहीं जिलाधिकारी पुलकित खरे के साथ एसपी दिनेश कुमार प्रभु समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल हुए। दरअसल त्योहारों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की गई, जहां जनपद सभी धर्मगुरु बैठक में शामिल हुए। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के अलावा हजारों की आबादी को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर बनाया गया मोटर पुल जर्जर हालत में है। बता दें कि भारी वाहनों के चलने से ये मोटर पुल कांपने लगता है, जो आए दिन भारी वाहनों के चलने से पुल की हालत जर्जर बनी हुई है और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन शासन और प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि पुल को दुरुस्त करने के लिए ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। स्पष्ट निर्देश है कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर साथ में कार्य करना है, भले वो वन क्षेत्र की हो या सिविल क्षेत्र की हो या किसी भी लैंड की हो, तो उसके बेसिस पे हम लोग कल उस पर एक डिटेल बैठक करेंगे, और मैं सभी डिपार्टमेंट से ये आग्रह करता हूँ और उनको सबको निर्देशित करता हूँ कि आप लोग कोहेसिव तरीके से कार्य करें, जंगलों की आग कहीं भी सूचित करें, भले कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई ग्राम प्रधान हो, वन पंचायत के हो, सभी को साथ मिलकर इसको कॉम्बैट करना है।
उत्तरकाशी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक क्षेत्रीय सांसद माला राजलक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। बैठक में सांसद द्वारा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सांसद ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर काम करें। मेन प्रॉब्लम रहता है पी एम जे एस वाई का होता है, उसी के लिए ज़्यादातर समय हमने उन लोगों को दिया और बोला कि जो सड़क का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए जिस तरह से भी हो, क्योंकि बहुत साल से यही प्रॉब्लम और डिपार्टमेंट इसी का प्रॉब्लम है और इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम अधिकारी लोगों को बोला है और आज हमारे नए डी एम साहब आए हैं, नए विधायक लोग भी हैं, सब भी आए हैं। पैनल मीटिंग है तो सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी और मीटिंग अच्छी तरह से चले, काफ़ी लंबा मीटिंग था और हम लोग सब मिलकर आगे भी अच्छी तरह से काम करेंगे, यही और सबको शुभकामनाएं। चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्या कुछ कहना? हाँ, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, बात जरूर है सबको जो आ रहे हैं चार धाम यात्रा में उन लोगों को। बिजनौर में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नजीबाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां नजीबाबाद थाना क्षेत्र में काफी समय से अवैध फैक्ट्री में पटाखा बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। इस पटाखा फैक्ट्री की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए, साथ ही दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। नजीबाबाद के गड़मलपुर गाँव के बाहर एक कोठरी में अवैध पटाखा बनाने का काम चल रहा था, जहां पर बने अजवाने पटाखे गंधक पोटास आदि मिले। वहां से दो व्यक्तियों को सत्यवीर एवं अरशद को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है। करीब 25 पेटी बने अजवाने पटाखे इनको डिस्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों की दबंगई देखने के लिए मिली, जहां मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लोहे के रॉड से हमला किया गया। वहीं इस घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, इधर से आओ। बुलंदशहर के थाना ककौड़ के ग्राम गडारा निवासी एक दलित युवक की बारात पुलिस सुरक्षा के बीच निकाली गई। दरअसल अपने साथ कुछ अनुचित होने की आशंका के चलते दूल्हा मेहंदी लगे हाथों के साथ ही थाने पहुंचा। बता दें कि दूल्हा सीआरपीएफ में बतौर जवान तैनात है। बताया जा रहा है कि 20 वर्ष पहले एक युवक की बारात निकालने को लेकर हत्या हुई थी, जिसके कारण दूल्हे ने प्रशासन से गुहार लगाई। उसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। थाना ककौड़ में गडारा नाम का गाँव है, वहाँ लगभग एक साल पहले एक बारात जाने के दौरान एक सवर्ण की हत्या हो गई थी। उसमें कई लोग अभी भी जेल में हैं, एनएसए की भी कार्रवाई हुई थी। उसी गांव में फिर एक व्यक्ति की शादी थी जो अनुसूचित जाति के थे, उनके द्वारा अपेक्षा की गई कि शादी में किसी तरह का कोई व्यवधान ना है, तो इस वजह से एहतियातन वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। यद्यपि वहाँ पर कोई स्थानीय स्तर पर तनाव नहीं था, लेकिन एहतियातन व्यवस्था की गई ताकि निर्विघ्न रूप से कार्यक्रम संपादित हो सके। अलीगढ़ में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के मुख्यमंत्री के कार्यालय में बहुत कुछ सुधार जेलों में भी हुआ है, साथ ही हम और भी बेहतर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जेलों में निर्देशित किया है कि सभी कैदियों के साथ एक आत्मीय व्यवहार हो, उनको ये महसूस ना होने दें कि हम चार दीवारी के अंदर कैद हैं। देश में बहुत समय शासन किया कांग्रेस पार्टी ने, और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के शासन में ये स्थितियां रही हैं, इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस देश की जनता ने बनाया है, यही कारण है। दूसरा, ये सीतापुर में लगातार आजम खां से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी कभी चिपकाल सिंह या तो कल मिले भी नहीं है आजम खां, उनसे क्या लगता है जेल के अंदर मिलने की प्रयास किया?
ये उनकी विचारधारा है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आजम खान रहे हैं, तो उनसे कौन क्या मिलना क्या विचार। सहारनपुर में पटेल नगर स्थित गणपति गैस एजेंसी के सामने दूसरी मंजिल पर एसडीए से बिना अनुमति लिए जियो 5G मोबाइल टावर एंटीना लगाया गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने निर्माणकर्ता के खिलाफ जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर विरोध किया गया। सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर जनता आदेश संगठन ने प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जनता आदेश संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि शेखुल हिंदू मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज को बहाल कर पीजीआई जैसी सुविधाएं दी जाए। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तनाव, सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा बासी को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल यूएपीए के आरोप में एटीएस ने कोर्ट में मुर्तजा को पेश किया था। चमोली में निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर लंबे समय से काम कर रहे मजदूरों की मांग के बदले कंपनी प्रबंधन ने उन्हीं का भोजन पानी बंद करके निष्कासित कर दिया, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। बता दें कि अब ये गरीब मजदूर भट्ट नगर और रावल नगर के ग्रामीणों के रहमोकरम पर 14 दिनों से खुले आसमान के नीचे तपती गर्मी में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर कोई सुध नहीं ले रहा। भारतीय जनवादी नौजवान सभा की राज्य कमेटी की ओर से यहाँ डीबीएल के साथी जो पिछले 14 दिनों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनके समर्थन के लिए आया हूँ और आपके माध्यम से डीबीएल के प्रशासन को, रेलवे को, जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से डीबीएल मजदूरों का उत्पीड़न कर रही है, मजदूर पिछले 14 दिनों से एक वक्त का खाना खा के बाहर खुले में सोने को मजबूर है, लगातार उनकी साथियों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं और उसके बाद भी ना ही ज़िला प्रशासन ना ही डीबीएल का प्रशासन किसी तरह के साथ इनके साथ सहानुभूति रख रहा है। इतनी दूर से यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि प्रशासन भी जो पूंजीपतियों का साथ दे रहा है और जिस तरह से मजदूरों को यहाँ पे निकाला गया, धोखे से बुलाया, रात को जो है उनके बैग पैक करवाए गए और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और वहाँ से भेजने की पूरी सरकार ने ये बना रखी थी कि इनको यहाँ से निकालना है। ये तो हम सारे मजदूर जो बाहर से एक दूसरे का दर्द समझे, तो सारे मजदूर जो इकट्ठे हुए और मजदूरों के साथ इतना नहीं, पीछे भी हमारी जो हड़तालें हुई वही हमारी जो मानदेय है उसमें कटौती बार बार कटौती की जा रही है। हमारी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है कि हम जो काम कर जालौन में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम से मारपिटाई हो गई, जहां विजिलेंस टीम ने रजिस्टर और मोबाइल छीन लिया। बता दें कि अभियंता राहुल साहू समेत 3 विद्युत कर्मियों के साथ मारपिटाई हुई है। दरअसल बिजली चोरी की रोकथाम में चल रहे अभियान के अंतर्गत ग्राम बरहा में चेकिंग करने विद्युत विभाग की टीम पहुंची थी। अवर अभियंता राहुल साहू ने उरई कोतवाली पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।